मिल गया डब्लू डब्लू उई सांप कितना है अंदर अंदर है बंगले पे बड़ा वीआईपी बंगला है। ऐसा बंगला ना मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्यारा बंगला। अच्छा पुराना बंगला बहुत पुराना बंगला बंगला वो वाला बंगला नहीं जहाँ पे लोग रहते थे। ये ऑफिशियल बंगला जैसे आज से तकरीबन 20-25 साल पहले लोग ऑफिशियल लोग रेजिडेंसी के लिए इस्तेमाल करते थे। कोई ऑफिशियल लोग किसी विजिट पे आते थे तो ये गवर्नमेंट का एक एक स्टेज ये बड़ी लेवल की जगह इन्होंने बनाई है। चलो आपको हम दिखाते हैं। ये बहावलपुर डेवे में सबसे पहला यही होता था लोगों की रेजिडेंसी की जगह। यल्ला हबीबी ओके चलो यार हम पहुंच गए हैं बंगले पे। चलो अब हम अंदर जाने लगे हैं। वो एक मिसाल भी है ना ये इधर का बंगले का व्यू है। ये देखें ये है यहाँ की कोठी लेवल। ये ऑफिस है ऑफिस है ऑफिस है ये ऑफिस है अपना सब डिवीजन साहब का। चलो यार अंदर चलते हैं। आप ये कौन है भाई? हिमालय है हिमालय है चौकीदार है। चलो चल 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 वे चल कैमरा बंद कैमरा बंद। चलो यार ये देखो भाई ये बंगले का व्यू है सारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये भंगी माली बना हुआ था। आज इनकी गाड़ी बंगले लगाते हैं हम। चलो यार आए हाय 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 ये भाई बंगला है सारा। बहुत देखें ये व्यू चेक करें आप बंगले का। लोगों ने यहाँ पे काश्तकारी भी की हुई है और ये काश्तकारी नहीं है भाई ग्रासिंग की भी उन्होंने। ग्रासिंग है घास बड़ा हो गया इसे काटेंगे अभी लेवल करेंगे। यार ये गंदों में घास थोड़ी है गंदों में दिखाओ भाई दिखाओ गंदों में यार गंदों में। ये देखो ये गंदों का सिट्टा है। ये देखो ओ किने में पे ए है ए गंदों में सिट्टा है। अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बड़ी गंदों हो चुकी है। घास कौन से घास किसको खिलाना इन्होंने घास ये वाला इंसानों को खिलाएंगे ये घास। देखें ये सारा इलाका कबीले में आता है हमारे। ये हमारा कबीला बहुत बड़ा है। यहाँ पर घास फूस की जगह है और भी बहुत चीजें उगाई जाती हैं। अच्छा जी ये वाला बंगला ये पुराने वाला है। देखिए क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ओ आए 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 हम आपको अंदर जा सकते हैं क्या? सब डिवीजन ऑफिस है ये कौन सा सब डिवीजन ऑफिस मजिस्ट्रेट साहब का केनाल मजिस्ट्रेट साहब का ये ऑफिस है। राणा इम्तनान अली अमानत अली अमानत अली अहमद भाई राणा इम्तनान अली इम्तनान वो है भाई बंगला सारा वो पुराने वाला है वो इससे भी पुराना है यार। वो सबसे पहले स्टे की जगह वही होती थी। अच्छा सबसे पहले हाँ मुझे नहीं पता मुझे बताया जाता है क्योंकि ये बहुत पुराना है भाई। मैं तुम्हें दिखाता ओ मस्जिद है ओ मस्जिद ये मशीन नई न्यू है ये नहीं न्यू नहीं है अभी की बनाई हुई 5-6 साल तो हो गए हैं ज्यादा हो गए होंगे नहीं 5-6 साल हो सकता है 5-6 साल हाँ इतना ही हो गया होगा। लोगों की डोनेशन से बनाई गई है ये सारा इलाका दिखा यार। यार से लगता है रोही में आ गए यार और क्या मजाक सिलाओ यार बर्बाद कर दिए। इतनी अच्छी ये जगहें होती थी सुना था हमने कि यहाँ पे बड़ी अच्छी प्रोटोकॉल वाले लोग आके रहते थे। अब इन दरख्तों से आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी कदीम जगह है। दरख्त दिखाओ ना दरख्त दिखाओ कितने पुराने दरख्त हैं ये किस टाइम के बने हुए बहुत पुराने दरख्त हैं ये। जी ये देखें ये अब बिल्कुल बुसीदा हाल हो चुकी है। बुसीदा हाल हो चुकी है यहाँ कोई अच्छी अच्छी चीजें बना के छोड़ दी जाती हैं इस्तेमाल में नहीं लाई जाती खंडर खंडर बना दिया इन्होंने खंडर बना दिया बन चुके हैं यहाँ के इलाके। ये देखें ये हाल है अल्लाह अकबर अल्लाह बहुत खंडर बना दी। लोग वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इनको अपनी प्राइवेसी के लिए। ये मेरा शोरूम है ये वाला यहाँ मैं वो गड्ढा डेरी खड़ाता हूँ अपनी। कितने हैं ये मेरा वो है इलाका है सारा। यहाँ पर रात को मैं यहीं सोता हूँ सारा दिन। उई सांप कितने हैं अंदर अंदर है ए नहीं यार आ यार कहनी कहने मुझे यार इधर कोई चीज आती है ये तो बड़ी शान आती है। यहाँ पे खड्डे कैसे हुए बने अभी है किस चीज के खड्डे आयतुल कुर्सी फाड़
ये देखिए ये सांप की कैची है, इसने खाल उतारी हुई है, उतारते रहते हैं ना घर में, उतारते हैं सर्दी में, दिखाते हैं वो भी है ना, ये तो सीवी लगी पड़ी है, ये बहुत पुरानी है, दीमक सीवी, एक ही बात सराकी में सीवी, यहाँ पे रात को आके ना जानवर सोते हैं, ये गेंडे वगैरह आते हैं, शेर वगैरह आते हैं। अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद की डिग्री चिंगड़ी तो नहीं चाहिए, अहमद अहमद इधर कहाँ से आ गए, वो बड़ी खौफनाक जगह है, मैं अभी जिंदगी में कभी भी नहीं आया वैसे यहाँ पे, देखो तो सही, ये देखो व्यूवर गाइस, ये बहुत ही खौफनाक रास्ता है, ऐसे लगता है कि हम रोही में आ गए हैं, जंगल में आ गए हैं और यहाँ गुम हो चुके हैं, ये देखो कितनी पुरानी हमारे, बाकी डर लग रहा है सही, यकीन बताओ सही, मुझे वाकई मेरा दिल खौफ आ रहा है, मुझे वाकई मेरा भी, मैं तो मजा आंदा पे ऐसा लग रहा है, देख 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 यार व्यू चाहता है, ये देखो व्यू आ पागला व्यू को छोड़ ही था मारवे दो बाबा, ये वो इलाका है जहां पर नहीं, ये अंग्रेजों के दौर की बनाई हुई टैंकी है, देखे ना आप कितनी पुरानी कंस्ट्रक्ट की हुई है, राजमाता ने सिंहासन किया था, राजमाता का सिंहासन गोले शोले यही पड़े होते जहाँ वो राजमाता ना वो बाहुबली उठा के कहती है महेंद्र बाहुबली अब लौट आए हैं, यहाँ पर झांड के फूटे फूटे घर पे पाए जाते हैं, ये देख लें व्यूअर ये फुल खंडर, ओ क्या है ये गुगु है, गुगु ऐसा लगता है कोई है अंदर, ये किस चीज की आवाज है यार, ये क्या है, फूक मार दिया, क्या बात है शोधी भाई आपकी, देखिए जी खौफनाक ये देखिए कितना साल पुराना ये दरख्त है, आप देख सकते हैं, ये और ये दरख्त है, चलिए इसके करीब चल के आपको दिखाते हैं, बड़े लेजेंड व्यू आ रहा है यहां से, वो एक मूवी नहीं थी वो यार जिसमें वो डब्ल्यू ढूंढने जाते हैं, वो कौन सी मूवी थी, डब्ल्यू के नीचे पैसे होते हैं, अच्छा देखो ये डब्ल्यू है, वाह की वे एक तल्लेम दा पे वाला इथा में दा पे वाला ए में दा पे, चलें जी गाइस हम उस दरख्त के पास जाने लगे हैं, ओ डब्ल्यू मिल गया, डब्ल्यू डब्ल्यू अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी, देख रही है पता लगा डब्ल्यू, दिखाते दिखाते हमारा डब्ल्यू भाग में ना मर जा, ओ ओ डब्ल्यू देखो, आओ 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 पे मार का, आओ पे मार का, आओ पे, ये देखिए जी कितना वीराना है और ये कितना पुराना दरख्त है, ये देख ले, देख ले। ये आगे हम नहीं जा सकते, आगे वो बैठी है वो उससे हमें बड़ा डर लग रहा है, ये देखिए वो वीरान हो गया, पानी भी नहीं देते इन्हें ना, धूप धूप तो रखती है पानी नहीं देते इन्हें, इस साइड पे देखो ना, एक साइड पे ये जगह कितनी खौफनाक किस्म की जगह है, पताहाल हो चुकी है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, अल्लाह पे यहाँ पे लोग हैं, अमला होगा यहाँ का, पूरा स्टाफ होगा रखा हुआ होगा गवर्नमेंट ने, लेकिन ये पूरा बदहाल हो, ये देखें ना ये भी टूटी हुई पड़ी है, कि हमारी आवाम का पैसा किस तरह से जाया हो रहा है, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस, बिल्कुल, अभी कितनी सारी अच्छी साफ सुथरी जगह है, पूरी एक पूरी पूरी कम्युनिटी यहाँ पे रह सकती है, मुझे लगता है चले हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी, ये दीवार देखें कितनी अजीब सी बोसीदा हो चुकी है, यहाँ पे कोई ना कोई वाकई एक मजे की जगह बनी हुई होगी, पहले लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से ये दीवार तो टूटी हुई है ना, ये टूट के गिर चुकी है, एक दीवार ही ठहरी है, अब देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, एटमॉस्फेयर देखें, दरख्त ही दरख्त हैं हर जगह पे, आपको लग रहा है हर तरफ हरियाली हरियाली है, रहने के लिए एक परफेक्ट जगह है, चरिंद परिंद देखें यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये दरख्त बड़ा ही मज़े का है, देखें यूनिक किस्म का दरख्त है और कितने सौ साल ये पुराना होगा,
ऊपर देखे घोंसले बने हुए चिमगादड़ के, और कम से कम ये 2 से 3 साल पुराना होगा। ये जरा ऊपर जूम करो ना, देखो सारे परिंदों के घोंसले हैं ऊपर, सारे ये परिंदों के, चीलों का, ये वाले, ये सब के घोंसले हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हम वहाँ से आ चुके हैं यार। देखो यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से ना, ये देखो माशाल्लाह पुरसुकून जगह है। ये वो है, ये गिराज है यहाँ पे, अपने गधा डेरी कराता है, इधर गड्डू कराता हूँ, गड्डू कराता हूँ। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, मैं हैरान हूँ कि हमारे इलाहाबाद में इतनी अच्छी अच्छी साफ सुथरी जगह है रहने के लिए, लेकिन वो सारी की सारी गैर आबाद पड़ी हुई है, कोई भी यहाँ पे रहने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ ये क्या था? ये टैंकी इलाहाबाद का सबसे बड़ा गटर, गटर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हो सकता है गिर भी सकता है इधर, हो जाता ये यहाँ का सबसे बड़ा गटर है जहाँ पर सारे गंदे नाले यहाँ छोड़े जाते हैं। इमरजेंसी इस्तेमाल होता है तो अभी ये यूजलेस है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। शोजे भाई सुबह सुबह उठते हैं, पैप बना हुआ है, गोभी मारते हैं। नीचे देखो ना ये कितना प्यारा दरख्त है, इसको कितना खराब क्या हुआ है। ये वाहिद दरख्त है, इसके फूलों से ना परफ्यूम बनाए जाते हैं। इसका मुझे नाम भूल गया है, लेकिन इसके जितने भी फूल होते हैं वाइट कलर के फूल होते हैं और उनसे परफ्यूम बनाया जाता है। ये बहुत ही कम ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ, बहुत ही ऐसी कम जगह हैं जहाँ पे ये उगता है, लेकिन इस जगह पे इस एटमोसफेयर में ये उगा हुआ है। इसी जगह पर पहुँच गए हैं, ये इस पॉइंट की सबसे यूनिक जगह है। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के ये सारे घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं सेम लाइक वैसे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्हें जो अंग्रेज रहते थे तो उन्होंने अपनी अपने लिए ये घर बनवाए हुए थे, अपनी रेजिडेंसी के लिए वो आके यहाँ पे रहते थे। आप देख सकते हैं बड़े यूनिक किस्म के घर हैं, ऊपर चिमनियाँ भी लगाई हुई हैं, और ये वाला घर देखें आप, सेम ब्रिटिश टाइम का बना हुआ। हम देखते हैं कि अगर कोई अगर नहीं रहता तो हम आपको अंदर से दिखाते हैं ये घर, हम इसके अंदर जाने लगे हैं। हाँ, ये अंकल बैठे हैं, हमने इनसे इजाज़त ली है, अब आपको दिखाते हैं ये ब्रिटिश टाइम का ये घर बना हुआ है। यहाँ पे लोग रहते थे, लोग आते थे तो रेजिडेंसी उनकी होती थी, अंग्रेज और ऑफिशियल लोग जितने थे। आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक किस्म का इनका सिस्टम है सारा का सारा ओवरऑल। आप देखें यहाँ पे वो लोग यहाँ पे आग जलाते थे और यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह जो आपको हमने बाहर से चिमनी दिखाई है वहां से निकलता था। देखें जी वाह, कितने ही प्लानिंग से ये घर बनाया गया। ये दरवाजे चेक करें कितने खूबसूरत हैं जी, मजबूत। आजकल के दरवाजे तो खंडर हो जाते हैं, लकड़ियां टूट जाती हैं। ये दयाल के दरवाजे हैं, एक लकड़ी होती है दयाल। ये गार्डर देखें पहले जमाने के कितने छोटे छोटे हैं, ये बड़े मजबूत भी हैं यार। अब देखिए मुझे लगता है ये लोग इसको एज ए किचन यूज करते थे। दिखा दो हमें, डर भी लगता है कहीं इनसे ये गिर ना जाए। देखिए कितना कंफर्टेबल है और हर कमरे में उन्होंने ये चिमनी लगाई हुई है नीचे आग के लिए, सर्दियों में यूज़ करने के लिए। लाइट नहीं है नहीं तो हम आपको लाइट जला के दिखाते। आप देख सकते हैं कि ये कितने पुराने तौर के दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे भी। और आप यहाँ पे ये देखें, ये भी एक दरवाजा था, ये खिड़की भी आप देख लें, खिड़की का मंजर। और ये देखें ये बोर्ड खिड़की बाहर से भी आपको दिखाते हैं, यहाँ बल्कि यहीं से दिखाते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये देखें, ये आपको दिखाते हैं ये खिड़की, जिस बंदे ने बनवाया होना बड़े शौक और जोक से घर बनवाया होगा, कोई अंग्रेज ही होगा जो यहाँ है ना? नहीं है, था ये उनकी रेजिडेंसी है ना। हाँ। ये लोग हमारे कल्चर के लोग ये चीजें यूज नहीं करते, वो उस कल्चर के लोग ये चीजें यूज करते हैं। यार क्या कर रहे हो यार, इस घर में मुझे लगता है इनकी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं तो इसलिए इन्होंने इसको लॉक लगा दिया और सील कर दिया है इस जगह को। चले जी, ये बड़ा ही मजे का घर था, बड़ा ही डिसिप्लिन से ये घर बनाया गया। अब देखें वॉशरूम किस तरतीब से बनाए गए हैं, ये पता नहीं क्या है। हाँ, ये भी वॉशरूम है और वो भी एक वॉशरूम है, लेकिन बड़ा ही छोटा सा वॉशरूम है। बनाने का स्टाइल चेक, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये बनाए गए थे। इस छत का ये देख लेंगे, यहाँ से बीच में से है, इधर साइडों से नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पहले जमाने का स्टाइल है ये।
ये स्टाइल नहीं है, वो टूटी हुई है। अच्छा शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये बहुत ही मजे का और यूनिक किस्म की है, आप देखें कितनी स्टाइलिश है। अगर आप ना लाहौर में जाएं, लाहौर में जू है, सॉरी जू नहीं, म्यूजियम, म्यूजियम के बाहर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो भी ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, उसका सेम लाइक इसी तरह का मैप है, इसी तरह का नक्शा है उसका, ओवरऑल सेम लाइक ऐसे है। वो नक्शा जो था वो यहाँ से लिया गया था। ये एक लेजेंड्स एक शहर है, एक आपको क्या बताएं, अल्लाहाबाद इज अ वेरी कॉल, उठा लेगा कॉल आ गया, दो मिनट, वो बिरयानी वाली की कॉल, ओ बिरयानी, यस चलें। अच्छा चलें, अभी ये जगह आपने देखी बड़ी मजे की जगह, अभी हम चलते हैं। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, उसी खुशी में मैंने अपने दोस्तों को दावत दी है।